देखिए, एक श्री विनोद तिवारी हैं और उनके खिलाफ करीब 12 मुकदमे हैं। हम लोगों को संबंधित थाने से इनके विषय में इनका आपराधिक विवरण मंगाया गया, तो थाने से रिपोर्ट आई। लगभग 12 मुकदमे उनके खिलाफ हैं, 12 या 14 मुकदमे। और प्रधान के कार्यकाल के दौरान के भी कुछ प्रसंग हैं जो अभी अनिस्तारित हैं। कुछ वित्तीय अनियमितता के प्रकरण थे जिनमें अभी तक वसूली कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो ये सब शिकायत मिल रही थी। तो आज ये आए, जब इनको पता लगा कि इस तरह से हम लोग छानबीन करा रहे हैं, तो ये लोग आए और अपना कोशिश करने लगे कि हम लोगों को किसी तरह से ये अपने पक्ष में कर लें कि साहब इन्होंने ये बहुत ही पॉलिटिकल आदमी है और इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और इसी क्रम में ये भावावेश की स्थिति में आ गए और भावावेश के बाद जो है उठपटांग बातें करने लगे, अभद्रता करने लगे। तो ऐसी स्थिति में तत्काल संबंधित थाने को कोतवाल को सूचित किया गया और उनको 151 में चालान किया गया। सर क्या मैंने कोशिश की, उन्होंने अभद्रता की है जी, किसके साथ सर? मेरे साथ भी की है, तहसीलदार साहब के साथ भी की है, उनके साथ तो हाथापाई करने की कोशिश भी की है। वो दबंग व्यक्ति हैं, वो जाते जाते भी उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ये देंगे ना। जाते जाते भी वो कह करके गए हैं कि हम तो 2 महीने जेल में रह चुके हैं और हम पॉलिटिकल आदमी हैं और आप बलिया के नेताओं को जानते नहीं हैं, और ये सब बता रहे हैं। सर उनका सजेतर क्या डीएम साहब को फोन करके उनके कार्यालय से फोन आया था, फोन करके बुलाए थे। फिर मैंने सर को फोन किया, उन्होंने कहा कि 4 बजे करीब मैं आवाज पा रहा है। जब मैं डीएम साहब, बात तो उनकी सही है कि मैंने उनको बैठने नहीं दिया गया, क्योंकि आज वो अपराधी के रूप में यहाँ आए थे, इनके खिलाफ 12 मुकदमे हैं। मैं यही उनको समझा रहा था, मेरा पर्पस ये था कि वो अभी वर्तमान में क्योंकि आदर्श आचार संहिता चल रही है, तो इस बीच अपने कारनामे बंद कर दें, परंतु वो उससे और ज़्यादा भावावेश की स्थिति में आ गए और उसके बाद जो उन्होंने अभद्रता की है। और उनका आपराधिक विवरण आपको पेशकार साहब से मिल जाएगा जी सर, वो ये कोई आज से नहीं है, पूरे पिछले 10 साल का इनका आपराधिक विवरण। किसी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? अब ये तो मेरी जानकारी में नहीं है कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं उसको किसी पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं, वो तो एक अपराधी के रूप में उनको देख रहा था। किस तरह के आपराधिक इनके ऊपर मुकदमे हैं? अब जो पूरी डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी, पर 10 से कम मुकदमे नहीं हैं जो विवरण मुझे थाने से मिला है, 12 या 14 मुकदमे।